नमस्कार, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। शायद पूरे देश में पटना के अलावा ऐसा ही कोई राज्य हो जहां की राजधानी में एक भी 5 सितारा होटल ना हो। हालांकि अब पटना वासियों के लिए भी खुशखबरी है, अब पटना में 1 नहीं 3 5 स्टार होटलों का निर्माण होगा। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इन होटलों का निर्माण PPP मोड पर होगा। अब इनको बनाने के लिए कवायद भी शुरू कर दी गई है। तो आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि पटना के किन जगहों पर इन होटलों का निर्माण किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पटना के वीरचंद पटेल पथ और कंगन घाट के पास जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। बिहार के पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने बताया कि बिहार में शराबबंदी के बाद से ही पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसके चलते अब 5 सितारा होटलों की जरूरत भी बढ़ी है। साथ ही उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग ने रामायण, बुद्धा और जैन सर्किट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि वीरचंद पटेल पथ पर स्थित अशोका होटल, जिसे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया था, उसे तोड़कर PPP मोड पर 5 स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा। कंगन घाट पर भी PPP मोड पर 5 स्टार होटल का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही इसके लिए प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। साथ ही पर्यटन मंत्री ने बताया कि बिहार में शराबबंदी के बाद पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि साल 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी, उस साल बिहार में देसी पर्यटकों की संख्या 2,85,16,127 थी, जो 2017 में बढ़कर 3,24,14,063 पर पहुंच गई थी। वहीं 2019 सितंबर तक बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 7,04,809 रही है, जिस पर पर्यटन मंत्री ने बताया कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष पैकेज के तहत स्वदेश दर्शन योजना चलाई जा रही है, जिसमें रामायण सर्किट के तहत बिहार के दरभंगा, मधुबनी, बक्सर और सीतामढ़ी स्थित दर्शनीय स्थलों पर विभिन्न योजनाओं के काम चल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के स्टेट हाईवे पर पर्यटकों की सुविधा के लिए मॉडल शौचालय और रहने के लिए व्यवस्था भी की जा रही है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल नेशन भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।